ีนี่ครับदेखिए सभी ने हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले को भी इसका एक फॉर्मूला उतार लेना जरूरी है। कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा इस पेपर सॉल्व करने के लिए, सो नो नीड टू गेट वरीड कि कोवेरियंस कैसे निकालते हैं। समझ में आया? कोवेरियंस कैसे निकालेंगे, आर कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। जिन जिनकी न्यूमेरिकल आता है केवल तीन सब्जेक्ट्स में, उनको आज करा दिया जाएगा क्लास के बाद, उसमें भी आप शॉर्टकट देखोगे। स्टिल अगर किसी को देखना है कि आर कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाता है, अभी आपको मैं सभी को एक शीट दे दूंगा जिसमें आप देखोगे आर कैसे निकाला जाता है, अगर किसी को सीखना है तो। अब सबसे पहला आर किसका रेशियो है? कोवेरियंस। इसका कोवेरियंस एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई क्या है? दो वेरिएबल्स और ये उसकी अलग अलग वैल्यूज, उसको डिवाइड करना है किससे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इतना समझ में आया? मैंने पहले बोला स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, आप सीख चुके हो। अब कोवेरियंस क्या है? समेशन मतलब क्या हो गया? सम। किसका सम? पहले आप x का क्या निकालोगे? मीन। और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को किससे माइनस करोगे? मीन से। जो आप किसमें करते थे? मीन डेविएशन, याद आ रहा है? वैसे ही आप करोगे कि मींस आप पहले x का, पीछे ध्यान से सुनना, पहले आपने x का मीन निकाला, x का मीन निकालने के बाद इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को किससे माइनस किया? मीन से। और फिर उन्हीं सभी का क्या कर लिया? सम। उसको मल्टीप्लाई किया किससे? y सीरीज का मीन निकाला, मीन निकालने के बाद इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से माइनस किया और उन सब का भी क्या कर लिया? सम। और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया किससे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो आपके पास क्या मिलेगा? कोवेरियंस। सभी को समझ में आया? और उस कोवेरियंस को डिवाइड किया किससे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x से एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y से। समझ में आया? और ये हां जी बेटा, जब x का x बार से वेरिएंस करेंगे सर तो बार भी लगाएंगे? नहीं, केवल मीन का। सॉरी, नहीं हो जाएगा ना, अगर मीन जाने तो बहुत जरूरी नहीं है, हर टाइम जीरो है, ठीक है? मैक्सिमम केसेस में जीरो होता है, बट हर केस में जीरो हो वो जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। समझ में आया? और जीरो तब होगा जब अंतर क्या होगा? सेम। अगर मान के चलो जैसे ये केस है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें अंतर सेम है, इसमें जीरो हो जाएगा। जिसमें डिफरेंस सेम नहीं है 1, 3, 5, 10, 15, 16, 17, फिर 20, अंतर सेम नहीं है तो उसमें कभी भी जीरो नहीं होगा। ध्यान रखना, जीरो केवल उधर ही होगा जहां पे अंतर क्या होगा? सेम। क्लियर है? और यहाँ पे मीन से माइनस करके फिर डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक ये फॉर्मूला है किसका? कार्ल पियर्सन कोरिलेशन का। उतार लिया सभी ने? उतार लो, जिसने नहीं उतारा उसके बाद दो फॉर्मूले और रखने, फिर क्लास खत्म करते हैं। आपको दो फॉर्मूले और याद रखने हैं। अब ध्यान रखना, सभी सब्जेक्ट्स के अंदर मैच द फॉलोइंग में अलग अलग फॉर्मूले पूछे जाते हैं कार्ल पियर्सन के। तो एक ये फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन का, कौन सा वाला? ये जो ये फॉर्मूला लिखा है आर, आर इज इक्वल टू, एक ये फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन का, ये सभी ने लिख लिया पीछे, वही है जिसने नहीं लिखा, हो गया सभी का। दूसरा फॉर्मूला लिखिए, ये सारे फॉर्मूले याद करने सभी को।
फॉर्मूले हो गए और आपको तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि फॉर्मूला मैच ना फॉलोइंग में पूछा जाता है। पहला वाला कोवेरियंस के ऊपर था, उसी फॉर्मूले से ये निकला। आपको याद आ रहा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन की आप क्या करते थे, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से मीन माइनस करके क्या करते स्क्वायर, और उसका क्या करते थे अंडर रूट। एन से एन कैंसिल हो गया, इसीलिए एन हट गया यहां पे। समझ में आया कोवेरियंस के ऊपर ये किसका फॉर्मूला था? कोवेरियंस पीछे ध्यान से देखो, ये किसका फॉर्मूला था? कोवेरियंस। कोवेरियंस के नीचे क्या था? एन। और यहां पे भी क्या आएगा? एन। तो एन से एन कैंसिल हो गया, तो इसीलिए ये फॉर्मूला बना। और ये है शॉर्टकट मेथड, मींस अगर किसी के भी सब्जेक्ट में, जैसे पहले मैंने बोला एजुकेशन साइकोलॉजी में न्यूमेरिकल्स नहीं पूछते थे, अब पूछना शुरू कर दिया, तो जिन जिन के सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल नहीं पूछते थे और वो सोच रहे हैं कि न्यूमेरिकल नहीं पूछ सकते हैं, गलत सोच रहे हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है एजुकेशन साइकोलॉजी, 2015 से पहले उनमें कभी क्वेश्चन नहीं पूछते थे न्यूमेरिकल्स, अब पूछना शुरू कर दिया। तो कभी भी अगर न्यूमेरिकल गलती से भी आ जाए तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? लास्ट वाला। कैसे करते हैं? अभी शीट्स दे रहा हूं और ये फॉर्मूले सभी ने लिख लिए, बार बार कह रहा हूं इन फॉर्मूलेस को अच्छे से याद कर लेना, मैच द फॉलोइंग में आएगा ये। डिवाइडेड बाय क्या?
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y वो उसके बाद दूसरा फार्मूला कौन सा बताया ये वाला तीसरा फार्मूला ये वाला मैंने चिल्ला चिल्लाकर इसीलिए बोला क्योंकि सभी के पास्ट में क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग में अलग-अलग फार्मूला पूछा जा चुका है तो आपको केवल को वेरिएंस वाला नहीं तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं अब मैंने बोला अगर गलती से या लकीली या अनलकीली जो भी आपको लगता है आपके एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल पूछ लिया तो ना आपको कोवेरिएंस वाला फार्मूला अप्लाई करना चाहिए सब्जेक्टिव पेपर नहीं है ऑब्जेक्टिव है वो नहीं देखने वाले आपने कैसे निकाला ना कोवेरिएंस वाला अप्लाई करना ना ये वाला अप्लाई करना कौन सा अप्लाई करना है लास्ट सॉल्व एग्जाम्पल आपके सामने है बेटर क्या है मीन निकालकर सभी को माइनस करो फिर स्क्वायर करकर टाइम बर्बाद करो उससे बेटर क्या है शॉर्टकट मेथड इसमें आपको क्या करना है आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कैलकुलेट ई कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट निम्न आंकड़ों के कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए आपके पास दो सीरीज है x एंड y तो आपने पहले क्या किया x का स्क्वायर आसान है y का स्क्वायर वो भी आसान है और तीसरा क्या किया xy और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया लास्ट वाला किसका समीशन किया xy का जो आया उस पर लिखा हुआ है 88 उसको डिवाइड कर दिया किसके x के स्क्वायर से जो आ गया into y के स्क्वायर और उसका क्या निकाल लिया अंडर रूट या स्क्वायर रूट इज इट क्लियर सभी को समझ में आया इट इज मच मोर इजी एज कंपेयर टू दिस फार्मूला एंड जो कोवेरिएंस वाला बताया समझ में आया तो इसको एक बार देख लेना जिन जिनके न्यूमेरिकल्स आते हैं वो देख लेना जिनके नहीं आते तब भी एक बार सेफर साइड के देख लेना क्लियर और इंग्लिश मीडियम में लास्ट लिख लीजिए इट इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट हिंदी में लिखा हुआ है हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का दूसरा नाम क्या है प्रोडक्ट मूवमेंट MOMENT प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्लियर है सभी को कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का दूसरा नाम प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्लियर है